हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बूबा बेबी प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर के बारे में यूट्यूब का सबसे ट्रस्टेड एंड पॉपुलर चैनल। यस, यू हर्ड मी राइट, बूबा बेबी इज द मोस्ट ट्रस्टेड एंड पॉपुलर चैनल व्हेन इट कम्स टू प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर। सो गाइस, आज हम बात करेंगे खाने पीने के बारे में, बिकॉज एक किस्से पसंद नहीं होता, वो एकदम गरम गरम टेस्टी टेस्टी खाना देख के जो मन में खुशी होती है। आई एम श्योर आपको पता है मैं कौन सी फीलिंग की बात कर रही हूँ। मैं तो इनफैक्ट इतनी फूडी हूँ कि मैं जब कोई एकदम स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करने की कोशिश करती हूँ ना, तो भी मैं इधर उधर से कुछ ना कुछ चटपटा खा ही लेती हूँ। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत रोक टोक होती है ना, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, इसे ऐसे मत खाओ, उसमें से निकालो, इसमें ये डालो, एंड इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आप अपनी प्रेगनेंसी में खा सकते हो, कितनी खा सकते हो, और क्या चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं, हम उनका आंसर करके आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रही है रिया। रिया हमसे मुंबई से पूछ रही है कि क्या प्रेगनेंसी में टी और कॉफी पीना सेफ है कि नहीं, और क्या हम दिन में ओके ओह माय गॉड 5-10 चॉकलेट्स खा सकते हैं कि नहीं। So, चाय और कॉफी की आदत तो सबको होती है, मुझे भी जब तक सुबह सुबह इसका एक स्ट्रॉन्ग कप मिलना जाए ना, तब तक लगता है कि दिन ही शुरू नहीं होगा, लेजी फील होता रहता है, चिड़चिड़ा फील होता रहता है। लेकिन इससे थोड़ी ना दूर रहने की जरूरत है, वो इसीलिए क्योंकि इसमें होता है कैफीन। अब ये जो कैफीन होता है ना, जब आप प्रेगनेंसी में बहुत सारा कैफीन इंटेक कर लो, तो ये चले जाता है आपके प्लेसेंटा के पास। प्लेसेंटा वो जगह है जहां से आपका बेबी आपसे जुड़ा होता है, जहां से वो आपसे न्यूट्रिशन लेता है, और वहां पे इस कैफीन को मेटाबोलाइज करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ऐसे में जो आपका बेबी है उसको लो बर्थ वेट के रिस्क होते हैं। तो कम्प्लीटली दूर रहने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत ले सकते हो, मतलब अराउंड 200 mg, विच विल बी 1 or 2 cups पर डे। एक या दो कप से ज्यादा दिन में प्लीज मत पीजिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट everybody's favorite, that is chocolates. I mean, ये किसे पसंद नहीं होती? आपने definitely सुना होगा कितनी सारी लड़कियां बोलती है कि चॉकलेट मेरा दूसरा प्यार है and all of that. लेकिन if you ask me, I think ये हम सबका पहला प्यार होना चाहिए, because ये मेरा one true love है। लेकिन pregnancy में आपको इसे भी avoid करने की जरूरत है। हाँ, एक और लेकिन था यहाँ पे, बिकॉज आपके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बेबी है। तो क्या होता है ना, जो हमारे पैकेज चॉकलेट्स होते हैं, इनमें भी कई बार कैफीन का कंटेंट बहुत हाई होता है, एंड स्पेशली ऐसी चीजें आपको एम्प्टी स्टमक पे नहीं खानी, क्योंकि आपको अपने स्टमक में बहुत सारे न्यूट्रिशन फिल करना है। आपका बेबी कम्प्लीटली आपके फूड, आपकी बॉडी पर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो हमें ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल चॉकलेट मत खाइए। आई एम श्योर ऐसा कहूंगी तो आधे से ज्यादा लोग अभी भाग जाओगे यहाँ से। We don't want that. तो आप खा सकते हो, लेकिन आपको कंट्रोल में खाना है। जैसे कि अगर आपको कभी बहुत ज्यादा शुगर क्रेविंग हो रही है तो आप थोड़ी सी खा लो, कभी अगर डेजर्ट की तरह मन कर रहा है तो डेजर्ट की तरह खा लो, बट प्लीज नॉट मोर देन दैट एट ऑल। हमसे हमारे सेकंड क्वेश्चन पूछ रही है मोनाली फ्रॉम हैदराबाद। मोनाली हमसे पूछ रही है कि क्या प्रेगनेंसी में रॉ एग्स कंज्यूम करना ठीक है कि नहीं। तो एग्स सुनके ना मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है। मैंने एक बार ही कुकिंग क्लास ज्वाइन करी थी, वहां के जो हमारे शेफ थे उन्होंने एक महीने तक हमसे सिर्फ और सिर्फ अंडे तोड़वाए, कभी फोर्क से तोड़ो, कभी इसे बोल में मार के तोड़ो, कभी सिर्फ एक हाथ से तोड़ो, एंड रुकता ही नहीं था वो। मतलब एक महीने तक आई थिंक हमने कम से कम 10,000 अंडे तो फोड़ ही लिए होंगे, और अभी मैं इतनी ज्यादा प्रोफेशनल हो चुकी हूँ अंडे तोड़ने में कि अगर मैं 10 feet दूर से भी फेंकू ना, आई एम प्रीटी श्योर में जाके एकदम दो इक्वल हाथ में डूब जाएगा। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, रॉ एग्स के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है जिसको हम बोलते हैं सैल्मोनेला। जब सैल्मोनेला एक प्रेग्नेंट वुमन के अंदर जाता है तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। इट कैन कॉज यू स्टमक एक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एंड इन वेरी रेयर केसेस इट कैन एक्चुअली लीड टू यूटरीन क्रैम्प्स। यूटरीन क्रैम्प्स की वजह से आपको चांसेस होते हैं मिसकैरेज के एंड ऑल्सो स्टिल बर्थ के, एंड इट्स नॉट अ रिस्क दैट यू शुड बी विलिंग टू टेक। तो आप क्या कर सकते हो रॉ एग्स की जगह, आप खा सकते हो पैस्टराइज्ड एग्स।
सेपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अंडे होते हैं उनको हीट करा जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे और एकदम से उसको ठंडा कर दिया जाता है। लेकिन इसमें ध्यान वो लोग ये रखते हैं कि अंडे को सिर्फ इतना हीट करें कि बैक्टीरिया मर जाए, लेकिन इतना भी नहीं कि आपका एग कुक हो जाए। तो ऐसे में आप रॉ एग का फ्लेवर भी एंजॉय कर सकते हो और आपको बैक्टीरिया से भी डर नहीं है। बट आई ऑल्सो थिंक क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती है, क्या आपका बच्चा दूध पीते ही उल्टी कर देता है या फिर आसानी से दूध नहीं पचाता, तो ले आइए डॉक्टर्स द्वारा बनाया हूपा फीडिंग पिलो। WHO कहता है फीडिंग के समय और फीडिंग के बाद भी शिशु को हमेशा रिक्लाइन पोजीशन में रखना चाहिए। हमारा तीसरा क्वेश्चन है नेहा की तरफ से। नेहा हमसे कोलकाता से पूछ रही है कि क्या प्रेगनेंसी में फिशेस खाना ठीक है कि नहीं। फिश ना आप सबने देखी होगी, दिल चाहता है, एकदम हिट हो गई थी आते ही, सबकी फेवरेट मूवी बन गई थी। तो जब हमने भी देखी तो मैं और मेरे फ्रेंड्स हो गए सारे के सारे इंस्पायर कि भाई चलो आज हम भी जाएंगे और हम भी ना पूरी की पूरी फिश इसे अपने गले से उतारेंगे। चले तो गए, फिश उठा के मुंह में भी डाली और मेरे गले में वो फंस गई और मैं एकदम चौंक होने लग गई। मैं खास खास के पागल हो गई। तो प्लीज अगर आप हमारे जितने वियर्ड हो, वैसे आई रियली प्रे कि आप में से कोई भी हमारे जितने वियर्ड ना हो, लेकिन अगर आप हो तो प्लीज प्रेगनेंसी के टाइम पे ट्राई मत करना। ये या तो प्रेगनेंसी से पहले करना था या बाद में करना, इस ड्यूरेशन में बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा अवॉइड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि फिशेस हमारी यूजुअली होती है पोल्यूटेड वाटर में। अब पोल्यूटेड वाटर में होता है मर्क्यूरी का कंटेंट हाई और जब आप फिशेस कंज्यूम करते हो तो वो मर्क्यूरी आपकी बॉडी में चले जाते हैं। तो स्पेशली जो हाई मर्क्यूरी लेवल वाली फिशेज होती है जैसे कि ट्यूना है या फिर स्वॉर्ड फिश है, एंड इफ यू आर इन टू शार्क तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस। इनको एकदम कम्प्लीटली आप अवॉइड करिए। लेकिन जो लो मर्क्यूरी वाली फिशेज है जैसे कि एंचोवीज है, बटरफिश है एंड कैटफिश है, आप ये कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन जस्ट बिकॉज आप खा सकते हो इसका मतलब ये नहीं कि भाई एकदम बेफिक्र होके हम तो दिन में 3-3 बारी खाएंगे। नहीं, आप इसको वीक में 1 और 2 सर्विंग्स ले सकते हो, मतलब एक हफ्ते में 1 या 2 बारी आप फिश कंज्यूम कर सकते हो। क्योंकि यस, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो आपके बेबी के लिए बहुत ही अच्छा है। हूपा फीडिंग पिलो की खास डिजाइन द्वारा माँ अपनी सुविधा से बच्चे को रिक्लाइन कर सकती है जिससे दूध पेट में नीचे की तरफ रहता है और आसानी से पचता है। बच्चा खुश और तंदुरुस्त। हूपा पिलो ने किया कमाल, रिक्लाइन फीडिंग हो गई आसान। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है शिखा की तरफ से। शिखा हमसे बैंगलोर से पूछ रही हैं कि क्या, अरे शिखा का क्वेश्चन है जंक फूड के बारे में, वो भी ऐसे कोविड कोरोना के टाइम पे। मतलब जंक फूड सुनते ही ना उसे पिज्जा की पेल्टेड चीज और वो बर्गर का क्रिस्पी चिकन पार्टी एंड मोमोज की स्पाइसी चटनी। आई नो सबके मुंह में पानी आ रहा है और इससे पहले कि मुझे गालियां पड़े हम आगे बढ़ते हैं। सो मेरी एक टीचर थी, वो मुझसे कहा करती थी कि देखो जंक फूड की एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, वो है हाई शुगर, हाई फैट एंड एवरीथिंग बैड। इसका मतलब ये है कि आपको इससे बहुत दूर रहने की जरूरत है। आई एम सॉरी बट इट इज व्हाट इट इज। और मेरे को आपको करेक्ट एडवाइस देनी है क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपके बेबी को बहुत सारी चीजें चाहिए अपनी डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, हेल्दी फैट्स। और ये सारी चीजें हमारा बहुत ही डिलिशियस, टेस्टी लेकिन बहुत अनहेल्दी जंक फूड नहीं दे पाता। इन सब चीजों का असर आपके बेबी पे हो सकता है, स्पेशली उनके ऑर्गन डेवलपमेंट में, जैसे कि हार्ट, लंग्स, ब्रेन एंड इवन बोन्स, एंड वी डू नॉट वॉन्ट दैट, राइट। इन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान हमें रखना पड़ता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, क्योंकि जब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर में जाते हो तो आपका कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा बढ़ता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रेकमेंडेड होता है अराउंड 1800 कैलोरीज, सेकंड ट्राइमेस्टर में 2200 और थर्ड ट्राइमेस्टर तक आपको 2800 कैलोरीज कंज्यूम करनी होती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें इस कैलोरी का नंबर गंदी और खाली कैलोरीज से नहीं भरना है, हमें न्यूट्रिशियस फूड से भरना है। तो भाई मन तो सबका करता है जंक फूड खाने का, चटपटा खाने का, कुछ एकदम ऑयली चीजी पिज्जा जैसा खाने का,
लेकिन हम क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि बेबी, एंड बेबी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। तो ऐसे में अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए मेरी एक एडवाइस है, आप अपनी नेक्स्ट डे की सारी मील्स, छोटी से छोटी स्नैक्स से लेके अपनी लार्ज मील्स पहले से डिसाइड कर लो कि भाई भूख लग रही है, कुछ खाने का मन हो रहा है, तो आपको पहले से ही पता होगा कि अभी ये खाना है, तो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा खींच के अपने बस में रख पाओगे, ठीक है? क्योंकि जितना ज्यादा आप जंक फूड अवॉइड करोगे उतना ही बेटर है आपके और आपके बेबी दोनों के लिए। हमारा पांचवा क्वेश्चन है सुनीता की तरफ से। सुनीता हमसे लखनऊ से पूछ रहे हैं कि अगर वो कभी बाहर हो तो क्या ऐसे में अनवॉश्ड फ्रूट्स कंज्यूम करना ठीक है और अनपाश्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना ठीक है कि नहीं? देखिए, चाहे आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, अनवॉश्ड प्रोडक्ट्स आपको कभी कंज्यूम नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये फ्रूट्स कहाँ रखे हैं, किसने कैसे हाथों से छुए हैं और इनके ऊपर इतने सारे पैरासाइट्स हो सकते हैं, टैक्सोप्लाज्मा, ईकोलाई, लिस्टेरिया, साल्मोनेला, एंड यू कैन गो ऑन एंड ऑन, लिस्ट खत्म ही नहीं होती, ठीक है? एंड स्पेशली जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तो टैक्सोप्लाज्मा इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है आपके लिए। जब एक प्रेग्नेंट मदर टैक्सोप्लाज्मा से इन्फेक्ट होती है तो उसको सिम्टम्स सिर्फ एक मंथ के लिए रहते हैं, वो है फ्लू के। लेकिन जब आपका बेबी बॉर्न होता है ना, उसको इतने सीवियर मेडिकल कंडीशंस हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो बहुत रेयर केस है, बट इट कैन एक्चुअली हैपन। तो प्लीज आप दूर रहिए जितने भी आपके अनवॉश प्रोडक्ट्स हैं। और जब पाश्चराइजेशन की बात होती है, तो जैसे मैंने आपको एग्स में बताया था, हीट करके कूल करते हैं जब सडनली, तो जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब आप उसे सेफली कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि इनमें भी बैक्टीरियाज होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो आपके लिए फिट नहीं है, स्पेशली जब आप प्रेग्नेंट हो और आपके अंदर एक बहुत ही वल्नरेबल सी जानवर है, तो जितने रिस्क अवॉइड कर सकते हैं हमें उतने रिस्क अवॉइड करने चाहिए, ओके? नाउ अब हम आज के हमारे आज की आखिरी क्वेश्चन पे, हमारा आज का सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रही है कविता फ्रॉम पुणे। अच्छा, हमारे ये क्वेश्चन क्योंकि पपाया से रिलेटेड है, तो मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत ही फन चैलेंज है। मैं आपकी एक टंग ट्विस्टर बोलूंगी और अगर आप भी इसको बोल सकते हो तो आप अपनी एक वीडियो बनाइए, पांच बार इस टंग ट्विस्टर को बोलिए, आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी या फीड पे पोस्ट करिए और हमें टैग कर दीजिए। हमारा यूजर नेम है hoopa.in और अगर आप ये चैलेंज पूरा कर लोगे तो हम आपकी वीडियो अपने प्रोफाइल पे शेयर करेंगे। तो आपका टंग ट्विस्टर है, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। Might be easy, might not be. Try करिए. Okay. So moving on to the question. हमारा question है कि क्या pregnancy में हमको coconut and papaya avoid करने की ज़रूरत है या नहीं? I'm so glad कि ये question पूछा है, क्योंकि हमारी country में बहुत ज़्यादा myth है इस चीज़ों को लेके। कुछ लोगों को लगता है कि भाई इतना dangerous है कि आप एकदम इसे avoid करिए, लेकिन ये सच नहीं है। स्पेशली जब आप कोकोनट वाटर की बात करते हो ना, कि इतना हेल्दी होता है और इतना टेस्टी होता है, मतलब ये ना नेचर का गिफ्ट है, ये नेचर ने हमको लाके गिफ्ट दे दिया है कि ये लो एंजॉय करो। अगर इस पूरी दुनिया में कहीं पे अमृत जैसी चीज एग्जिस्ट करती है ना, वो डेफिनेटली कोकोनट वाटर की तरह टेस्ट करती होगी। तो आपको इससे दूर रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप दिन में एक कोकोनट वाटर बहुत प्यार से, बहुत आराम से पी सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि आपको थकावट होती हो, आपको कॉन्स्टिपेशन हो, आपको चक्कर आते हो, आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता हो, इन सब चीजों में आप कोकोनट वाटर कंज्यूम करिए, आपको बहुत रिफ्रेशिंग और रिलीविंग लगेगा। अब पपाया को क्या कम्प्लीटली अवॉइड करने की जरूरत है? नहीं, यस आई एम राइट, आपको पपाया को कम्प्लीटली अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा पपाया खा सकते हो और कौन सा पपाया नहीं खा सकते। तो जो पके हुए पपाया होते हैं, एकदम राइप गुड पपाया, आप वो बिल्कुल खा सकते हो। इनफैक्ट बहुत रिच होते हैं विटामिन ए, बी, सी, पोटेशियम और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जब आप बात करते हो सेमी राइप पपायास की या फिर रॉ पपायास, मतलब अध पके से पपाया या फिर कच्चे पपायास, तो इनमें क्या प्रॉब्लम होती है? इनमें होता है लेटेक्स। अब इस लेटेक्स के अंदर होता है पपेन, इसकी वजह से आपकी बॉडी में एम्ब्रियो टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है और उसकी वजह से फीटस की जो मेम्ब्रेन होती है वो वीक पड़ सकती है। समझ नहीं आया?
देखिए, आपका जो बेबी होता है वो आपके अंदर एक बहुत ही प्रोटेक्टेड से एनवायरनमेंट में होता है, तो वो जिस चीज के अंदर होता है उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन। जब आपके बॉडी में लेटेक्स जाता है तो ये जो मेम्ब्रेन है जिसके अंदर आपका बेबी है ये वीक हो सकती है। और इतना ही नहीं, इन चीजों की वजह से आपको यूटेरिन क्रैम्प्स हो सकते हैं और आपका लेबर इंड्यूस हो सकता है, मतलब इट कैन लीड टू स्टिलबर्थ और मिसकैरेज। सो इसलिए बस ये पता होने की जरूरत है कि आप कैसा पपाया खा सकते हो और कैसा नहीं। अगर आपको ये चीजें पता हो तो आपको एक्चुअली में बहुत ज्यादा चीजें अवॉइड करने की जरूरत नहीं है और हर समय अपना मन मारने की भी कोई जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड आप में से बहुत सारे लोग रेगुलर या कैजुअल स्मोकिंग में होंगे या फिर ड्रिंकिंग में होंगे, लेकिन इन चीजों का बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है आपके बेबी पे। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप इन 9 months के लिए एंटिल द पॉइंट जब तक आपका इन्फेंट थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता, एक्चुअली थोड़े से ज्यादा बड़ा नहीं हो जाता, प्लीज इन चीजों से दूर रहिए। अगर आपके आसपास में भी कोई स्मोक करता हो, आपका कोई फैमिली मेंबर हो, आपका कोई फ्रेंड हो, तो आप उनसे भी एक डिसेंट डिस्टेंस मेंटेन करके रहिए, क्योंकि जो धुआं उनकी स्मोकिंग करने से निकलता है वो सेम धुआं आपके लंग्स में भी जाता है और आपको हार्म करता है। इसको आप बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। लेकिन जाने से पहले अगर आपको कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली हो, कोई भी डाउट क्लियर हुआ हो या बस वीडियो देख के मजा आए, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के साथ प्लीज शेयर करिए। एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड एंड बेबी केयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आते हैं, तो उनको देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं, आप हमें हमारे यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी बता सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो, एक शाउट आउट आप सारे मदर्स के लिए। जय माता दी, लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर टू ऑल ऑफ यू। क्या आपका बच्चा दूध पीते ही उल्टी कर देता है या फिर आसानी से दूध नहीं पचाता? तो ले आइए डॉक्टर्स द्वारा बनाया हूपा फीडिंग पिलो। WHO कहता है फीडिंग के समय और फीडिंग के बाद भी शिशु को हमेशा रिक्लाइन पोजीशन में रखना चाहिए। शिशु का सिर नीचे या सीधा रहता है तो दूध खाने की नली के रास्ते से मुँह में आ जाता है और बच्चा उल्टी करता है। हूपा फीडिंग पिलो की खास डिजाइन द्वारा माँ अपनी सुविधा से बच्चे को रिक्लाइन कर सकती है, जिससे दूध पेट में नीचे की तरफ रहता है और आसानी से पचता है। बच्चा खुश और तंदुरुस्त। हूपा पिलो ने किया कमाल, रिक्लाइन फीडिंग हो गई आसान। दोनों हाथों में नवजात शिशु को उठाने से रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन को सपोर्ट नहीं मिलता, इससे रीढ़ की हड्डी झुक या टूट भी सकती है। हूपा फीडिंग पिलो स्पाइन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है, बच्चा सुरक्षित रहता है। क्रेडल होल्ड, क्रॉस क्रेडल होल्ड, फुटबॉल होल्ड या फिर माँ अपनी सुविधा के हिसाब से हूपा फीडिंग पिलो को होल्ड कर सकती है। हूपा फीडिंग पिलो बेहतरीन इन्फेंट कैरियर भी है। अंदर हो या बाहर, आपकी छोटी प्रिंसेस भी बच्चे को बड़ी आसानी से उठाकर घूम सकती है। नवजात बेबी के पहले 4 महीने के लिए अमेरिकन कंज्यूमर प्रोडक्ट नियमों द्वारा प्रमाणित। हूपा पिलो ने किया कमाल, रिक्लाइन फीडिंग हो गई आसान।